श्री कृष्ण लीला। एक दिन बलराम आदि ग्वाल बाल श्री कृष्ण के साथ खेल रहे थे। उन लोगों ने माँ यशोदा के पास आकर कहा, माँ कन्हैया ने मिट्टी खाई है। हितैषिनी यशोदा ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। उस समय श्री कृष्ण की आंखें डर के मारे नाच रही थीं। यशोदा मैया ने डांट कर कहा, क्यों रे नटखट, तू बहुत ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर मिट्टी क्यों खाई? देख तो तेरे दल के तेरे सखा क्या कह रहे हैं, तेरे बड़े भैया बलदाऊ भी तो उन्हीं की ओर से गवाही दे रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बक रहे हैं। यदि तुम इन्हीं की बात सच मानती हो तो मेरा मुंह तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी आंखों से देख लो। यशोदा जी ने कहा, अच्छी बात, यदि ऐसा है तो मुँह खोल। माता के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुँह खोल दिया। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अनंत है, वे केवल लीला के लिए ही मनुष्य के बालक बने हुए हैं। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुंह में चर अचर संपूर्ण जगत विद्यमान है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप और समुद्रों के सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, अग्नि, चंद्रमा और तारों के साथ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन, वियख, वैकारिक अहंकार के कार्य देवता, मन, इंद्रियां, पंच तन्मात्राएं और तीनों गुण श्री कृष्ण के मुख में दिख पड़े। परीक्षित जीव काल, स्वभाव, कर्म, उनकी वासना और शरीर आदि के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला ये सारा विचित्र संसार संपूर्ण वज्र और अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से खुले हुए मुख में देखा। वे बड़ी शंका में पड़ गईं। वे सोचने लगीं कि यह कोई स्वप्न है या भगवान की माया, कहीं मेरी बुद्धि में ही तो कोई भ्रम नहीं हो गया, संभव है मेरे इस बालक में ही कोई जन्मजात योग सिद्धि हो, जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते, वे सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इसके प्रेरक हैं और जिनकी सत्ता से ही इनकी प्रतीति होती है, जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, उन प्रभु को मैं प्रणाम करती हूँ। ये मैं ही हूँ और ये मेरे पति तथा मेरा लड़का है, साथ ही मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्मपत्नी हूँ। ये गोपियाँ, गोप और गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से मुझे इस प्रकार की कुमति घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में हूँ। जब इस प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण का तत्व समझ गईं, तब सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु ने अपनी पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी योग माया का उनके हृदय में संचार कर दिया। यशोदा जी को तुरंत वह घटना भूल गई। उन्होंने अपने दुलारे को गोद में उठा लिया। जैसे पहले उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ता था, वैसे ही फिर उमड़ने लगा। सारे वेद, उपनिषद, सांख्य योग और भक्तजन जिनके महात्म्य का गीत गाते गाते अघाते नहीं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी अपना पुत्र मानती थीं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान नंद बाबा ने ऐसा कौन सा बड़ा मंगलमय साधन किया था और परम सौभाग्यवती यशोदा जी ने भी ऐसी कौन सी तपस्या की थी जिसके कारण स्वयं भगवान ने अपने श्री मुख से उनका स्तनपान किया? भगवान श्री कृष्ण की वे बाल लीलाएं जो अपने ऐश्वर्य और महत्ता आदि को छिपाकर ग्वाल बालों में करते हैं, इतनी पवित्र हैं कि उनका श्रवण कीर्तन करने वाले लोगों के भी सारे पुण्य पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। त्रिकालदर्शी ज्ञानी पुरुष आज भी उनका गान करते रहते हैं। वे ही लीलाएं उनके जन्मदाता माता पिता देवकी वसुदेव जी को तो देखने तक को ना मिली और नंद यशोदा उनका अपार सुख लूट रहे हैं, इसका कारण क्या है? शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, नंद बाबा पूर्व जन्म में एक श्रेष्ठ वसु थे, उनका नाम था द्रोण और उनकी पत्नी का नाम था धरा। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन करने की इच्छा से उनसे कहा, भगवान जब हम पृथ्वी पर जन्म लें तब जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण में हमारी अनन्य प्रेममयी भक्ति हो, जिस भक्ति के द्वारा संसार में लोग अनायास ही दुर्गतियों को पार कर जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा,
ऐसा ही होगा, वे ही परम यशस्वी भगवत में द्रोण ब्रज में पैदा हुए और उनका नाम हुआ नंद, और वे ही धरा इस जन्म में यशोदा के नाम से उनकी पत्नी हुई। परीक्षित, अब इस जन्म में जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले भगवान उनके पुत्र हुए और समस्त गोप गोपियों की अपेक्षा इन पति पत्नी नंद और यशोदा जी का उनके प्रति अत्यंत प्रेम हुआ। ब्रह्मा जी की बात सत्य करने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज में रहकर समस्त ब्रजवासियों को अपनी बाल लीला से आनंदित करने लगे।